स्मैक की तस्करी करते भागलपुर के दो युवक सहित 5 तस्कर की गिरफ्तारी हुई। भागलपुर के नौगछिया पुलिस जिला में स्मैक तस्करों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में SP सुशांत कुमार सरोज को गुप्त सूचना मिली कि 0 माइल स्थित गुदरिया स्थान के समीप कुछ युवक मादक पदार्थ की खरीद बिक्री करने पहुंचे हैं। इसके बाद STPO दिलीप कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गठित टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए गुदरिया स्थान पहुंची तो वहां युवकों से पूछताछ की तो मामला सामने आया। SP सुशांत कुमार सरोज ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि 5 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से नौगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी निवासी मृत्युंजय राय का पुत्र नितेश कुमार, मदरौनी के सुरेश सिंह का पुत्र राजन कुमार उर्फ मोनू, गोसाई गांव के दीना यादव का पुत्र मिथुन कुमार, पकड़ा के कैलाश सिंह का पुत्र खगेश कुमार सिंह, भागलपुर के मुंदी चक के सुनील कुमार सह का पुत्र रोहित कुमार और भागलपुर के इसाक चक के बीरेन मंडल का पुत्र मुकेश कुमार शामिल है। इनके पास से 19.79 ग्राम स्मैक, 7300 रुपये, एक लाइटर, एक इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, 6 कोरेक्स की खाली बोतल, 4 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल समेत कई नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। SP ने कहा कि अपराधी कोई भी हो, बच नहीं पाएंगे। यहां आपको बता दें कि भागलपुर के जिस युवक मुकेश कुमार की गिरफ्तारी हुई है वो वार्ड 48 के पार्षद कुमारी कल्पना का पुत्र है। इसमें तस्कर में शामिल अपराधियों के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। भागलपुर में कुंभ मिश्र बेचवाता है माल। देखिए, परसों हमें एक गुप्त सूचना मिली थी कि भागलपुर से कुछ अपराधी यानी जो इस ड्रग्स के मामले में जुड़े हुए अपराधी हैं, वो नगोशिया में 0 माइल पास इकट्ठा हो रहा है, जहाँ से डिलीवरी लेकर के फिर भागलपुर में कहीं और वो मतलब बेचने वाला था। जैसे जानकारी हमें मिली, हम SDPO के नेतृत्व में टीम गठन किया, तो टाउन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर भरभूषण और कई पदाधिकारी थे, BIO की टीम थी, हम लोगों ने छापामारी किया, वहाँ पर गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तारी क्रम में जो ये ड्रग्स है, ड्रग्स भी मिला, जो उसका इंस्ट्रूमेंट होता है तोलने वाला वो सब मिला, सिक्का जो पीता है वो सब मिला, बहुत कुछ मिला है ना। वो सिर्फ निशानदेही पे पूछताछ करने पे गोपालपुर का भी लड़का था, वो भी गिरफ्तार हुआ, उसके पास भी ड्रग्स मिला। और इसके अलावा भी कई लोगों का नाम सामने आया है जो दूसरे जिला का भी है, हम लोग उसको भी चिन्हित कर रहे हैं और बहुत जल्द उसे हम लोग गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि ये जो टीम जो लड़के सब से जुड़े हुए हैं, ये समाज को एक तरह से बहुत क्षति पहुंचा रहे हैं। इसमें यूथ जो युवा है इसमें बहुत जल्द गिरफ्त में आ जाते। देखिए, वो मैंने जो कल वो बताया था 19.79, ये नगद भी था 7300 रुपये, 4 मोबाइल था, 2 मोटरसाइकिल था, 4 लाइटर है, एक इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन है, पाइप जला हुआ सिक्का 4 है, सिगरेट का डब्बा हुआ, कोरेस का खाली बोतल 6 था, रैपर से मिला है और ब्लेड वगैरह वगैरह 6 कल गिरफ्तारी हुई थी। रितेश कुमार है, ये रहने वाले नगोशिया के हैं, राजन कुमार ये रहने वाले नगोशिया के रहने वाले हैं, मिथुन कुमार भी गोपालपुर रहने वाले हैं, खगेश कुमार पकड़ा का, रोहित कुमार भागलपुर से हैं और मुकेश कुमार भागलपुर से। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मैंने पहले कहा, ये समाज में समाज के यूथ को बर्बाद करने का काम करते हैं, इनकी गिरफ्तारी में बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, और इससे जुड़े हुए अन्य लोग जो भी जुड़े हुए हैं उसकी हम गिरफ्तारी बहुत जल्द करेंगे। कहाँ नशा होता है तो बर्बादी होता है, सबका अपना अपना अलग दायरा है। शराब का भी दुष्परिणाम आपने देखा है, इसका भी दुष्परिणाम होता है, शरीर को खोखला करता ही करता है और सामाजिक प्रतिष्ठा हनन करता है, और जो पैसा आप कमाते हैं उड़ा देते हैं, कि केवल हानि ही हानि, नशा पान से कुछ भी हो, केवल हानि ही हानि।